प्रदेश सरकार भले ही जघन्य अपराधों के विरुद्ध मुहिम चलाकर उनके मकानों को जमींदोज कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर घूम रहे अपराधियों पर अंकुश लगाने में टीकमगढ़ पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीती रात कुंडीला थाना अंतर्गत ग्राम कड़वा में देखने को मिला है, जहां रविवार की दरमियानी रात कुंडीला थाना पुलिस कड़वा गांव में शराब के आरोप में फरार वारंटी रामपाल ठाकुर को जब गिरफ्तार करने पहुंची और पुलिस ने उसे आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया और पुलिस जैसे ही आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी तो परिजन पुलिस से झुमाझटकी कर आरोपी को छुड़ा ले गए। बाद में पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आरोपी के घर में मौजूद महिलाओं ने पुलिस पर पथराव करते हुए लाठी डंडे चलाना शुरू कर दिए, जिससे पुलिस के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद जिले के करीब आधा दर्जन थानों का पुलिस बल कुंडीला थाना क्षेत्र के कड़वा गाँव में पहुंचा और पूरा गाँव पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि कुंडीला थाना क्षेत्र के कड़वा गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हुए हमले को लेकर रामपाल सिंह ठाकुर सहित 8 लोगों पर हमला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ये कॉम्बिन गश्त जो है नाइट में पूरे जिले में जो वांछित अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई थी। हर थाना स्तर पर एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा था, जिसमें थाना कुड़िला के अंतर्गत कड़वाहा मऊ कड़वाहा गांव है, वहां पर एक वांछित आरोपी रामपाल और बबलू ठाकुर जो 34-2 शराब के जो है वो अपराधी था उसको पकड़ने के लिए तलाशने के लिए उनके घर गई थी, जहां पर गिरफ्तार उसको जो है करते समय उनके परिजनों ने उनके घर वालों ने पुलिस के साथ जो है झूमा झटकी की, मारपीट की, पत्थर फेंके और पुलिस कार में बाधा उत्पन्न की, जिसके कारण जो है पुलिस के जो हमारे जवान हैं वो अचानक हुए हमले में जो है चोटिल भी हो गए हैं, जिसकी FIR हमने विधिवत तरीके से मनोज द्विवेदी थाना प्रभारी कुल्ला की रिपोर्ट पर थाने में अपराध रामपाल लगभग जो है उसके रामपाल के अलावा 8 लोग और हैं जो जिनके विरुद्ध ये अपराध कायम किया गया है, जिनकी संलिप्तता उसमें अपराध करने में घटित पाई गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।